मुरादाबाद में भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश पर मतदाताओं को जागरूक करने के लिए लगातार कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुरादाबाद शहर के सभी स्कूल सामाजिक संस्थाओं में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम और नुक्कड़ नाटक तथा पोस्टर प्रतियोगिता के माध्यम से संदेश देने का काम किया गया। मुरादाबाद के सिविल लाइन स्थित पंचायत भवन में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसके अंतर्गत सभी स्कूलों के प्रधानाचार्य, सामाजिक संस्थाओं के सदस्य और प्रशासनिक अधिकारियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह, मुख्य विकास अधिकारी आनंद वर्धन, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बुद्धप्रिय सिंह ने पहुंचकर इस कार्यक्रम में सभी प्रधानाचार्य व विद्यालयों के छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य विकास अधिकारी द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस दौरान महानगर के स्कूलों के बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम व नुक्कड़ नाटक के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक करने के लिए संदेश दिया। कार्यक्रम में बोलते हुए मुख्य विकास अधिकारी आनंद वर्धन ने कहा कि मुरादाबाद में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए बेहतर प्रयास किए गए और सभी का इसमें भरपूर योगदान रहा है। उन्होंने आगे कहा, आप सब लोग जानते हैं स्वीप का जो कार्यक्रम होता है उसका मुख्य उद्देश्य मतदाता जागरूकता का होता है, और हम लोगों ने ये प्रयास किया जनपद मुरादाबाद में कि ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम होता है जो कि हर जनपद में संचालित किया जाता है, उसको एक बेहतर ढंग से हम लोग उसका एक रूपरेखा बनाएं और उसको एग्जीक्यूट करें। अक्टूबर माह में हमने कहीं ना कहीं इस प्रयास की शुरुआत की थी और मुझे लगता है कि उस समय मतदाता जागरूकता वाला जो पार्ट है स्वीप का, उस पर हमारा ज़्यादा फोकस था। अब जैसे चुनाव आ गए हैं, 14 तारीख को मतदान है मुरादाबाद में, तो अब जो इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन वाला पार्ट है यानी सहभागिता वाला पार्ट है, उस पर हम लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। जो हमारे प्रयास रहे जनपद में वो सराहनीय केवल इसलिए नहीं है कि हमें उसका रिकग्निशन मिला, स्टेट में अवार्ड मिला, और मैं आपको बता दूं कि सिर्फ एक कैटेगरी में नहीं, दो कैटेगरीज में नामांकन किया गया था, तो इंडिविजुअल कैटेगरी में भी हमारे यहाँ ही जनपद मुरादाबाद को अवार्ड मिला, और एक विभाग के रूप में शिक्षा विभाग मुरादाबाद को स्वीप का कार्यक्रम अथक रूप से संचालित करने और बहुत बेहतरीन ढंग से ये जो मैसेज है मतदान करने का, ये लोगों तक पहुंचाने का प्रयास जो किया गया, इसको राज्य स्तर पर भी सराहा गया। एक अवसर है कि हम अपने आप को थोड़ा सा इसमें प्रेरित करें और भी लोगों को प्रेरित करें और अच्छा परिणाम अगली बार हम लोग लेकर के आएं। इसी के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी लोगों को। जय हिंद, जय भारत। कार्यक्रम में पहुंचे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बुद्धप्रिय सिंह ने कहा कि प्रशासन के दिशा निर्देश पर मुरादाबाद के सभी स्कूलों का बेहतर प्रयास रहा है और सभी की हम सराहना करते हैं। अभी तक जितने भी चुनाव हुए हैं स्थानीय निकाय से लेके लोकसभा तक के सभी चुनाव सामान्य रूप से देखा हूं, लेकिन जितने अच्छे तरीके से यहां सर के निर्देशन में कार्यक्रम हुए हैं उसके लिए मैं सर को विशेष रूप से बधाई देता हूं। और ये कार्यक्रम अनुज जी के बिना या जो हमारी इस पूरी टीम है इसके बिना कहीं से भी संभव नहीं थे, तो आप लिए आप लोग इसके लिए विशेष रूप से और भी बधाई के पात्र हैं। कार्यक्रम में पहुंचे जिला अधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने मुरादाबाद महानगर के स्कूल के बच्चों को प्रमाण पत्र व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया, साथ ही मतदाताओं को जागरूक करने के लिए आयोजित किए गए कार्यक्रमों की सराहना भी की। जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह का ये कहना था कि मुरादाबाद में सामाजिक संस्थाओं के साथ स्कूल के प्रधानाचार्य और छात्र छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम, नुक्कड़ नाटक एवं विभिन्न कलाओं के माध्यम से संदेश देने का काम किया गया। मुरादाबाद में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए जो प्रयास किए गए उनकी जितनी भी सराहना की जाए वे कम है।
जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने पंचायत भवन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान लगाई गई प्रदर्शनी का भी निरीक्षण किया एवं सभी छात्र छात्राओं के साथ विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाओं की कलाओं को देखकर उनकी खूब हौसला अफजाई की। जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने सिटी चैनल संवाददाता से बात करते हुए ये कहा कि मुरादाबाद में भारत निर्वाचन आयोग और जिला प्रशासन के सहयोग से मतदाताओं को जागरूक करने के लिए काम किए गए, जिसमें सभी का भरपूर योगदान रहा है। डॉक्टर अनुज अग्रवाल ने महानगर के सभी स्कूलों में पहुंचकर सभी को जागरूक किया और शपथ दिलाई, जिसमें सभी ने प्रशासन को अपना भरपूर सहयोग दिया। इस दौरान उन्होंने मुरादाबाद के नागरिकों से आगामी 14 फरवरी को वोट देने की अपील भी की और जागरूक रहने का संदेश भी दिया। मुरादाबाद में मतदाता जागरूकता के अंतर्गत क्या कर देखिए, हम जैसा हम सभी लोग जानते हैं कि हमारा मुरादाबाद जनपद द्वितीय चरण में यहाँ मतदान होना है, 14 फरवरी को मतदान होना है, और इसको लेकर के मतदाता जागरूकता के पूरे जनपद में कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, तो ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में। इस सब के पीछे कुल मिलाकर मंशा ये है कि लोकतंत्र में मतदान एक हमारा संवैधानिक अधिकार है, महत्वपूर्ण अधिकार है और हमारे देश के भविष्य को तय करता है। तो हम अपने सभी जनपदवासियों से अपील करते हैं, गुजारिश करते हैं कि 14 फरवरी को मतदान के दिवस अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग जरूर करें, अपने जो भी आपका मतदान केंद्र है उस पर जाकर के शत प्रतिशत मतदान हमें कराना है और पुराने जो भी रिकॉर्ड है उसको ध्वस्त करना है। और अगर हम अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से जो सरकार चुनी जाएगी वो आम जनमानस की भावनाओं के अनुरूप होगी और हम उम्मीद करते हैं कि हमारा जनपद इसमें कभी भी पीछे नहीं है।